अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साबुन को यानी सोप को अपने फेस के ऊपर लगाना चाहिए या फिर नहीं। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जिन्हें नहीं समझ में आता है कि चेहरे पर साबुन लगाएं या फिर नहीं लगाएं, और जिस साबुन से या सोप से वो नहाती हैं या डेली बेसिस पे यूज करती हैं उसी साबुन को अपने फेस के ऊपर लगा लेती हैं और उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। एक्चुअल में पहले मैं भी यही चीजें करती थी और मेरे साथ भी हो चुका है, तब जाकर मैंने रियलाइज किया। तो सोप को अपने फेस के ऊपर लगाना चाहिए या फिर नहीं, तो इसके लिए मैं कहूंगी एकदम बिग नो। आपको अपने फेस के ऊपर सोप को, साबुन को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अब बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जो कहेंगी कि हम बॉडी के लिए एक अलग सोप यूज कर रहे हैं और फेस के लिए एक अलग से सोप ले, इससे तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। और पुराने टाइम में तो जब साबुन होता था तो वो एक ही साबुन हुआ करता था और वही सब फेस पर हर जगह पर लगाया करते थे। तो उसका ये भी एक रीजन है कि पहले के टाइम में इतने ज्यादा केमिकल्स वगैरह नहीं मिले होते थे, और आज के टाइम के जो साबुन होते हैं, सोप होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा केमिकल्स वगैरह मिक्स होते हैं, तो वो हमारे फेस के लिए सही नहीं रहते। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि जब बॉडी पर वो सोप यूज कर रहे हैं और बॉडी पर कोई खराबी नहीं हो रही है तो फेस पर कैसे होगी, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है फेस की वो काफी ज्यादा नाजुक होती है अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी। बॉडी की स्किन हमारी इतना हैंडल कर लेती है, बट हमारी जो फेस की होती है स्किन वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो इसीलिए फेस के लिए आपको एक अलग से सोप लेना चाहिए। अब फेस के लिए अलग से सोप ले तो कौन सा लें, ब्ला 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 बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप या तो फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं फेस के ऊपर। अब आप कहेंगे कि फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो सेम ही तो है, बट नहीं, जो साबुन होता है उसमें उसका पीएच लेवल काफी ज्यादा बहुत सारे सोप्स का हाई होता है, जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो फेस वॉश होता है उसका पीएच लेवल इतना हाई नहीं होता है, जो वो बनाई हमारे फेस के लिए है, तो ऑब्वियसली वो फेस के ऊपर ही काम करेगा और उसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे हमारे फेस के ऊपर फेस वॉश यूज करने से। आप नीम फेस वॉश ले सकते हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक या नॉर्मल फेस वॉश भी आ सकते हैं, आप कोई भी फेस वॉश अपने फेस के ऊपर यूज कर सकते हैं, बट आपको सोप यूज नहीं करना है। और सोप भी आप कौन सा सोप यूज कर सकते हैं, जो फेस के लिए स्पेशली बना है, जो स्पेशली फेस के लिए सोप बना है, आप वो सोप इजीली यूज कर सकते हैं फेस के ऊपर, उससे कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है फेस के ऊपर। बेसिकली आपको जो बॉडी के लिए जो सोप बने होते हैं वो यूज नहीं करना है, जो फेस के लिए सोप होते हैं और फेस वॉश होते हैं वो सारी चीजें आप अपने फेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो आप घर में भी सोप बना सकते हैं। आप सिंपली क्या करें, बेसन लें एंड उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी लें। मुल्तानी मिट्टी आपको एक्चुअल में ज्यादा क्वांटिटी में लेनी है, थोड़ा सा उसमें बेसन मिलाएं एंड जो सोप आता है नॉर्मल वाला वो आप मिक्स करके उसको एक अच्छा सा पेस्ट बना के एंड उसको फ्रीज करके मोल्ड में उसको रखकर अच्छे से फ्रीज करके एंड देन उसका जो सोप बन जाता है वो आप अपने फेस के ऊपर यूज कर सकते हैं, उससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। या आप मुल्तानी मिट्टी एंड सोप यूज उसमें ना करें, आप सिर्फ मुल्तानी मिट्टी एंड बेसन लेकर ही अपने फेस को उससे ही वॉश करें डेली। सोप एक्चुअल में करता क्या है ना, हमारी स्किन के ऊपर लगकर हमारी स्किन को ड्राई कर देता है, और जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा सोप यूज करते रहते काफी टाइम तक, तो स्किन एक तो ड्राई होने लगती है एंड ऑब्वियस सी बात है जब आपकी स्किन ड्राई होगी, खराब होगी, तो उसमें एक्ने वगैरह बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारी स्किन ऑयली है तो हम सोप यूज कर सकते हैं, तो भी ना ही करें, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए भी बेकार ही होता है सोप। ऑयली स्किन को भी वो खराब कर देता है, डैमेज कर देता है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी आपकी स्किन। और फेस के लिए आप कौन कौन से सोप्स को यूज कर सकते हैं वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड फेस वॉश के भी लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वो सारे फेस वॉश और वो सारे फेस सोप्स आप यूज कर सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। बाय, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नए वीडियो में।